आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, मेजरमेंट। अब हम देखेंगे लेंथ किस किस तरह से मेज़र की जाती है। सबसे पहले है इन ओल्डर टाइम्स, पेज नंबर 71 आपकी मैथ्स की बुक का निकाल लीजिए, सब पढ़ते हैं। इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूजिंग बॉडी पार्ट्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ मेज़र करने की। अब जैसे हैंड स्पैन, हम कई बार होता है कि हमसे बोल दिया गया ये बोर्ड कितना हैंड स्पैन का, हैंड स्पैन मतलब बेलात, ये जो हिस्सा है इससे जब हम किसी चीज़ की लंबाई मेज़र करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हैंड स्पैन। जस्ट सपोज ये देखिए 1, यहाँ से फिर अगेन 2, 4, देन 5, देन 6, 7, 8 एंड समथिंग। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे बोर्ड की लेंथ जो है 8 स्पैन है। कितनी, 8 स्पैन, ठीक है। तो ये एक पीछे स्केल बना हुआ है इसके, ध्यान से देखो तो एक स्पैन किसका कितना सेंटीमीटर का हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास पाम, पाम यानी कि ये हथेली, ये जो पाम है इससे हम किसी चीज़ को नापते हैं। जैसे ये डस्टर है, ये मेरी पाम के बराबर है पूरा, देखो इस पाम के से छोटा है तो बोल सकते हैं हम छोटा है। अभी ये पेंसिल है, ये भी छोटी है, अब बोल सकते हैं ये मेरे पाम से इतनी छोटी है। अब आपको दे दी तो आप इसे अपने पाम से भी नाप सकते हो। कई बार होता है क्यूबिट, जैसे अपना ये हिस्सा यहाँ से लेके ये कोहनी तक का हिस्सा, मिडल फिंगर के जो टिप होती है, टिप से लेके फिंगर का हिस्सा, वहाँ से हम जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे मान लो सपोज हम इस बोर्ड को करते हैं 1, फिर यहाँ पॉइंट पे 2, देन अगेन यहाँ पॉइंट से 3 एंड समथिंग, मतलब 3 और आधा, 3.5 मानते हैं हम, 3.5 या 3.5। तो ये मैं कह सकता हूँ क्यूबिट, ये मेरे कितने क्यूबिट का है लेंथ, बोर्ड की लेंथ कितनी है मेरे 3.5 क्यूबिट। और वहीं अगर आप इसे मेज़र करते हो तो आपका हाथ थोड़ा छोटा है मेरे हाथ से, तो आप क्या करोगे, आपका हाथ यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग लेंथ होती थी, जैसे मैंने अपने हैंड स्पैन से इस बोर्ड को नापा, 8 स्पैन आया था। अगर आप नापो या आप मेज़र करो तो हो सकता है वहीं 8 की जगह 10 स्पैन आए या 12 स्पैन आए। तो इनको अब यूज़ में नहीं लिया जाता किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी के बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मेरा हाथ इतना बड़ा है तो किसी और का हाथ छोटा हो सकता है या मेरे से भी बड़ा हो सकता है। तो अगर मैंने बोला उसको कि यार ये मेरे 8 स्पैन है तो इस हिसाब से मुझे पे कर दे, मैं तुझे ये बोर्ड बेच रहा हूँ, वो बोले ठीक है मैं 8 स्पैन के हिसाब से पे कर देता हूँ, तो जब उसने नापा उसके 7 स्पैन ही निकला, वो बोले मुझसे तो एक हैंड स्पैन तुमने ज़्यादा ले लिया, क्यों? तो वो मेजरिंग में दिक्कत आती थी, इसलिए इन सब टर्म्स को आप यूज़ नहीं करते। फुट स्पैन, ये एक फुट बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जगह होती है, इससे हम कभी किसी चीज़ को नापते हैं। जस्ट सपोज़ हम कभी, अगर आपने बचपन में क्रिकेट खेला हो तो आप टिप टॉप करते थे पेड़ से, टिप टॉप इस तरह से, आप कौन सी टीम का टर्न फर्स्ट आए वो इस फुट स्पैन से नापा जाता था, ठीक है। अब हो सकता है एक आप बेंच को देखो कि बेंच कितने फुट स्पैन है, अगर मैं यहाँ से चलूँ बोर्ड के इस एंगल से तो वहाँ तक मेरे कितने फुट स्पैन कवर हो रहे हैं। तो हम किसी चीज़ की जो लेंथ है वो हम फुट स्पैन से भी मेज़र कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, पर अभी क्या है सबकी बॉडी डिफरेंट है। तो पहले भी डिफरेंट थी, पर तब हमारे पास और कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई और मेथड नहीं था किसी चीज़ को मेज़र करने का। अभी है तो अभी ये फुट स्पैन सब हटा दिए। अब ये है पेस और स्ट्राइक, यानी अपने पेस यानी गज, जब अपने पैर खुलते हैं इस पोजीशन में कहीं, तो इसे कहते हैं पेस, ठीक है। अब इस पेस से हम बोलते हैं ना कि मैंने इतने कदम चले तब मैं वहाँ तक पहुँचा। अब किसी ने बोला मेरे को यहाँ से लेके उस बाउंड्री तक जाना है, मैं 20 पेस चला, मैंने ट्रेवल कितना करा 20 पेस, पेस यानी गज, ठीक है। तो किसी के, अगर मैं चल रहा हूँ तो मैंने 20 कदम चल के वो चीज़ कवर करी, वहीं अगर कोई छोटा बच्चा चले तो वो उसको उसके कदम थोड़े छोटे हैं तो उसे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। मैं वहीं तक जाने में 20
पेस लगे और किसी छोटे बच्चे को वहाँ तक जाने में हो सकता है 25 लग जाए या 30 लगे, यानी 25 या 32 पेस लग सकते हैं। तो ये सब प्यूपल टू प्यूपल डिफर करता है, डिफर यानी अंतर होता है सब में। मैं चलूँ या मेरी जगह कोई और चले तो हम दोनों के पेस में डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट है आर्म स्पेन। आर्म स्पेन होता है जब आप अपने हैंड इस पोजीशन में रखते हो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, हम उसे किस चीज़ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे हमें ये बोर्ड नापना है, मैंने ये अपना एक साइड इस बोर्ड पे रखा और दूसरा ये है, ये मेरा कितना हुआ पूरा 1 आर्म स्पेन, ये मेरा 1 आर्म स्पेन है। अगर यहीं कोई छोटे बच्चे को मैं लूँ तो हो सकता है उसके 2 आर्म स्पेन हो जाए यहाँ पे। ठीक है, मेरा तो 1 आर्म स्पेन हो रहा है, हो सकता है किसी के 2 आर्म स्पेन हो जाए। तो ये आपके पुराने जो मेज़रमेंट की यूनिट मतलब तरीके थे वो ये थे, जैसे हैंड स्पेन आपने इस तरह से नापा या मेज़र कराए, पाम इस साइड से नापा, और क्यूबिट जो आप एल्बो टू मिडल फिंगर की टिप से जो मेज़र करते हो वो चीज़, फुट स्पेन जब आप क्रिकेट में फर्स्ट टर्न के लिए टिप टॉप करते हो वो वाला एग्जांपल हो जाएगा इसका। पर आप अब और ये पेस यानी कि जब आप अगर आपको आइडिया हो तो जो क्रिकेट का पिच होता है जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, जो एक विकेट से दूसरे विकेट तक की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, हमारे पास 22 पेस यानी कि 22 गज। तो वो 22 फुट इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है, फिर जाके दूसरा विकेट हम रखते हैं। और ये आर्म स्पेन जो भी मैंने बताया, पर ये लोग ये क्या है, एक आदमी से अगर कोई 1 पर्सन इसे मेज़र कर रहा है तो हो सकता है वो दूसरे पर्सन जो उसे मेज़र करने आया है उससे छोटा हो या बड़ा हो, तो हो सकता है उनके हैंड स्पेन की साइज़ चेंज हो जाए, फुट स्पेन फुट की साइज़ चेंज हो जाए। तो इसलिए अब हम इन्हें यूज़ में नहीं लेते, इनकी जगह अब हम नई और स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ में लेते हैं, लाइक किलोमीटर्स सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, इन चीज़ों से हम मेज़र क्या क्या कर सकते थे, अब तो यूज़ में नहीं है, अब इन्हें हटा दिया गया है, इनकी जगह हम मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स काम में लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं एक स्ट्रिंग जो होती है, रोप स्ट्रिंग यानी रस्सी का टुकड़ा, उसे हम क्यूबिट से भी नाप सकते हैं, उसे हम आर्म स्पेन से भी नाप सकते थे या मेज़र कर सकते थे, फुट नीचे गिरा के उसे पेस और स्ट्राइक से भी हम मेज़र कर सकते थे, पाम से हम मेज़र कर सकते थे उसे, और हैंड स्पेन से भी हम उसे मेज़र कर सकते थे। इसी तरह से दे रखा है आपको क्लोथ यूजिंग क्यूबिट, यानी आपका कुछ क्लोथ है या कपड़ा है आप उसे भी इन कुछ टर्म्स से मेज़र कर सकते थे। अब आते हैं हमारे पास मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स। अब कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ में ली जाती है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड। सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट देखते हैं लेंथ की होती क्या है जिससे हम उसे मेज़र करते हैं। सबसे फर्स्ट जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और उसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से एम से, स्मॉल एम से हम उसे डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर आर अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी मीटर के अलावा 3 और यूनिट्स होती है जिन्हें हम लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी है, मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। देखते हैं मिलीमीटर को हम डिनोट करते हैं डबल एम से, स्मॉल एम, एम एम, दिस एम स्टैंड्स फॉर मिली एंड दिस एम स्टैंड्स फॉर मीटर, मिलीमीटर। इसके बाद सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को हम सी एम से डिनोट करते हैं, सी एंड देन स्मॉल एम सी एम, और लास्ट में आता है एक सबसे जो बड़ी हमारे पास
यूनिट है लेंथ मेजर करने की, वो है किलोमीटर। उसे हम डिनोट करते हैं के एम से, के एंड देन स्मॉल एम, किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ मेजर करने की कौन कौन सी यूनिट्स है? फर्स्ट मीटर, सेकंड मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। मीटर को हम डिनोट करते हैं एम से, मिलीमीटर को डिनोट करते हैं हम मिलीमीटर एमएम से, इसे मिलीमीटर। एंड सेंटीमीटर को हम डिनोट करते हैं या लिखते हैं सीएम। एंड लास्ट में आता है किलोमीटर, उसे हम लिखते हैं केएम। ठीक है, आपकी बुक में देखते हैं क्या दे रखा है। वेरी स्मॉल यूनिट्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर, जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीमीटर इज टू मेजर स्मॉल थिंग सच अ पेन, पेंटिंग ब्रश। यू मतलब पेन, पेन और पेंसिल के लिए तो आप यूज़ क्या करते हैं, बंद करो सर।